हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका घर गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं घर से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। और आज की समस्या है कि कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया में क्या फर्क है। इस पर आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल ये है कि एक घर में रूम बनाते समय उसकी हाइट कितनी देनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 8 फीट, 15 फीट, 10 फीट या 19 फीट। अगर आपको जवाब आता है तो नीचे कमेंट करके जवाब बताइए, और अगर नहीं आता तो वीडियो के आखिर में मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो है कि कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया में क्या फर्क है। इस टॉपिक को लेकर आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी जिनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 से पहले डेफिनेशन कुछ और थी और 2019 के बाद और कुछ हो गई। हम आज बात करेंगे लेटेस्ट डेफिनेशन के बारे में जो भारत सरकार ने दी है। सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, जो होता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया वो एरिया होता है जिसको आप एक्चुअल में रहने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि बेडरूम, बाथरूम, किचन एक्सेट्रा। लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें इंटरनल वॉल की थिकनेस भी काउंट होगी, लेकिन एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस काउंट नहीं होगी। दोबारा सुनिए, एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस काउंट नहीं होगी लेकिन इंटरनल वॉल की थिकनेस काउंट होगी। तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो आपकी स्क्रीन पर जो जो नाम आ रहे हैं, जैसे बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, किचन, स्टडी, स्टोर्स, एनी अदर रूम, बाथरूम, बालकनीज विद इन द हाउस, स्टेयरकेस विद इन द हाउस एंड इंटरनल वॉल, ये सब के सब कारपेट एरिया के पार्ट होते हैं। अब इसमें सारे पॉइंट तो क्लियर होंगे, लेकिन लास्ट के 3 में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, जो है बालकनीज विद इन द हाउस, स्टेयरकेस विद इन द हाउस एंड इंटरनल वॉल। तो चलिए इन पर थोड़ी बात कर लेते हैं। पहला है बालकनीज विद इन द हाउस। अब बालकनी वैसे तो कारपेट एरिया में काउंट नहीं होती, लेकिन अगर ये बालकनी घर के अंदर खुलती है तो ये कारपेट एरिया में काउंट होंगी। ऐसी बालकनी अक्सर आपको बंगलोस या ड्यूप्लेक्स में देखने को मिलती है। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, ये अक्सर आपने बड़े बड़े घरों में देखा होगा। इसके बाद बात करते हैं स्टेयरकेस विद इन द हाउस की। अब जो सीढ़ियां हैं ये वैसे तो कारपेट एरिया में काउंट नहीं होंगी, लेकिन अगर ये सीढ़ियां घर के अंदर से शुरू होकर अंदर ही खत्म हो रही हैं तो ये कारपेट एरिया में काउंट होंगी। ये दोबारा आपको बंगलो या फिर ड्यूप्लेक्सेस में देखने को मिलती है। इसकी इमेजेस भी आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। लास्ट पॉइंट है इंटरनल वॉल्स का। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कारपेट एरिया में इंटरनल वॉल की थिकनेस काउंट नहीं होती, जो ठीक था 2019 से पहले, लेकिन 2019 में जो लेटेस्ट डेफिनेशन आई है उसके हिसाब से इंटरनल वॉल की थिकनेस भी आपकी कारपेट एरिया में काउंट होगी। तो ये सब वो था जो कारपेट एरिया में काउंट होता है। अब देखते हैं कि क्या क्या काउंट नहीं होता। तो एक्सटर्नल वॉल आपकी काउंट नहीं होगी, कोई भी कॉमन एरिया है वो काउंट नहीं होगा, टेरेस है वो भी काउंट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले पर, जो है बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया में हर वो चीज काउंट होगी जो कारपेट एरिया में आती है, लेकिन इसमें कुछ चीजें बस प्लस हो जाएंगी, और वो मेनली 3 चीजें हैं। पहला एक्सटर्नल वॉल, दूसरा सर्विस शाफ्ट, तीसरा बालकनीज। यानी कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ एक्सटर्नल वॉल प्लस सर्विस शाफ्ट्स प्लस बालकनीज मिलाकर बिल्टअप एरिया बनाते हैं। अब चलते हैं आखिरी और सबसे बड़े एरिया की तरफ, जो है सुपर बिल्टअप एरिया। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके प्लॉट के अंदर जो एरिया आता है वो सुपर बिल्टअप एरिया हो जाता है। टेक्निकली देखा जाए तो बिल्टअप एरिया में जो आपकी स्क्रीन पर चीजें आ रही हैं ये प्लस कर दोगे तो सुपर बिल्टअप एरिया आ जाएगा। क्या क्या प्लस होगा एक बार वो देख लेते हैं। स्टेयरकेस, लिफ्ट, क्लब हाउस, एयरडक्ट्स, पाइप, लॉबी, स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, ये ऐसी और भी कोई कॉमन जगह जो हर कोई यूज कर सकता है, इन सबको आप बिल्टअप एरिया के साथ मिला दो तो ये सुपर बिल्टअप एरिया हो जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया क्या होते हैं और इनमें क्या फर्क है। और अगर नहीं भी आया है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ, जो मैंने आपसे इस वीडियो के शुरुआत में पूछा था, जो है कि एक घर बनाते समय उसके रूम की हाइट कितनी देनी चाहिए।
ऑप्शन थे आपके 8 फीट, 15 फीट, 10 फीट या 19 फीट, और इसका सही जवाब है 10 फीट। अगर आपने यही जवाब कमेंट में लिखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं, ये चैनल आप देखते रहिए और इस तरह का ज्ञान आपको मिलता रहेगा। अब चलते हैं सबसे ज़रूरी बात की तरफ, CLS, यानी पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ज़रूर।